जैसे मेरी फील्ड है, मुझे पता है इसमें फैन फॉलोइंग तो लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़कियां भी ज्यादा छोड़ गई या बच्चे जब पैदा होते हैं तो साथ ही उनकी ना मंगनी शादी। अच्छा अच्छा, ये वो प्रॉब्लम है। अगर ये पॉडकास्ट हिट हो गया तो क्या आप ट्रेंड करवा दोगे? जी जी, कुछ और कहां के बाल काटने हैं। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सुरीले सिंगर से मिलवाने जा रहा हूं जिसकी आवाज़ सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि चस आ गई। मैंने इनसे बहुत सारी जगहों पर मुलाकात की और बहुत सारी जगहों पर मैंने इनको सुना, लेकिन यकीन जाने मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि आप लोग शायद इनको सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर सुनते हैं और PTV पर भी सुनते हैं, लेकिन आप लोग इनको उस तरह से क्यों ज़्यादा फॉलो नहीं करते जिस तरह से आप बड़े सिंगर्स को करते हैं। मुझे यूं लगता है कि इनको सुनने के बाद आपको यूं लगेगा कि यार, हम बड़े सिंगर्स को तो फॉलो करते हैं, उनको तो बड़े शौक से सुनते हैं और उनको इतना ज्यादा फेम भी पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब हमने हमजा अली को सुनना है और हमजा को इतना सुनना है कि पूरे पाकिस्तान और इंडिया में यह बंदा मशहूर हो जाए। और आज आपको ऐसे सुरीले गाने सुनाएगा कि आप यकीनन इसके बारे में यही सोचते रहेंगे कि काश ये बंदा यार इंडिया में होता और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इनके पीछे होते। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमजा से। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतने खूबसूरत वर्ड्स मेरे लिए कहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमजा, मैं यकीन जानो कि जब भी मैं तुम्हें सुनता हूँ ना, कभी आर्ट्स काउंसिल में या किसी भी प्रोग्राम में, तो मेरा दिल चाहता है कि यार तुम्हें ना बहुत ऊपर आना चाहिए, बहुत आगे तक आना चाहिए। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा कि आखिर क्यों इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद अभी तक वो मकाम नहीं मिल सका जिसके लिए तुम डिजर्व करते हो। लेकिन सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या सुनाओगे? पहले सुनाओ ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हारे गले का लेवल क्या है, तुम्हारे अंदर कितना सुरीला सिंगर बैठा हुआ है, ये जरा लोगों को पता चले, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, आजकल एक गाना बड़ा चल रहा है, इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद ड्रामा तो आप सभी आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं और उसका OST भी लोगों को बहुत पसंद आया है। तो हमजा से सबसे पहले हम इश्क मुर्शिद का OST सुनते हैं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और आप यही सोचेंगे कि काश इन्हीं से गवा लेते। I'll try my best. जरूर जरूर जरूर। जाने तमन्ना जाने आदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दो, तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे, पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी खातिर लूं सो जन्म मैं, चाहे हो जो भी बला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार।
बहुत खूब यार, बहुत मजा आया. और यकीनन आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा, और आप लोगों को यूं लग रहा होगा कि शायद वो गाना हमजा नहीं गाया है. लेकिन ऐसा है नहीं. हमजा, क्या लगता है कि अगर आपने ये ओएसटी गाया होता और ये ड्रामा इस तरह से हर एपिसोड ट्रेंडिंग पर आ रहा होता, तो आपको क्या फील होता है इस वक्त जब आप कहीं भी जा रहे होते तो कहते हैं वो हमजा जा रहा है जिसने इश्क मुर्शिद का ओएसटी गाया है? मुझे लगता है कि अपने अपने नसीब की बात होती है कि अब देखिए उन्होंने गाया, हिट हो गया. शायद मैं गाता तो वायरल ना होता, हिट ना होता. ये भी है, ये बात. तो ये मैं समझता हूँ कि किस्मत की बात है. अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ कितना अरसा हो गया? 6 years हो गए. हाँ, 6 साल बड़ी मुद्दत होती है यार जी. एक लाइफ का 6 साल देना किसी, जवानी के 6 साल बड़े, क्योंकि स्ट्रगल और बस स्ट्रगल है. बिल्कुल. अभी तक आपने क्या खोया क्या पाया? अभी तक क्या खोया क्या पाया, देखें स्माइल भी, मुझे मैं समझता हूँ कि मेरा अभी भी इस चीज़ पे बिलीव है कि आप मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. तो इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आता है आपका. अच्छा. हाँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मैं जब लाहौर इवेंट करने जाता था, मेरा स्टार्ट था, तो मुझे पैसे नहीं देते थे. ओ, अच्छा. जब मैंने इस फील्ड में आया था तो मुझे पहली दफ़ा जब एक साल गुजरा मुझे, तो मुझे 2000 रुपये दिए थे. मतलब एक साल गुजर जाने के बाद 2000 का जी, 2000 वो नून लीग वाले 2000 तो नहीं थे. मुझे जो मरियम औरंगजेब जो है वो कह रही थी 2000 रुपये. हाँ, ये वो तो नहीं है. नहीं, ये वो वाले नहीं. अच्छा अच्छा. लेकिन मुझे 2000 मिले और मैं बहुत, यकीन करें, मैं बड़ा खुश था उस दिन, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली कमाई जो मेरी फील्ड से मुझे मिली थी 2000 रुपीज. ठीक है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बहुत थी. अच्छा अच्छा. मुझे ये बताओ कि ये वैसे इस फील्ड का ना एक बहुत बुरा मतलब चेहरा है, कह सकते हैं आपके हकीकत है. बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, होस्ट हैं, जो स्ट्रगल करते रहते हैं. डायरेक्टर, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, टीवी के हो, चाहे वो मॉडलिंग करवाने वाले कोई भी हो, वो इतने बेहिस क्यों होते हैं? ये बड़ी तल्ख बात है कि एक नया लड़का, देखें, यहाँ से लाहौर जाता था और इतनी स्ट्रगल करता था, और एक साल तक वो जाता रहा और 2000 रुपये. बहरहाल वो शो से लाखों रुपए कमाते होंगे. बिल्कुल. लेकिन बहरहाल, तो अब तो आकर कैसा है? मतलब मुझे मिलते थे 2000, तो मैं बड़ा खुश था कि यार मुझे इतने मिल गए. ठीक है, बस वहां से मैंने स्टार्ट लिया. मैंने कहा इंशाल्लाह बढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो आज कोई मैं अपना अगर इवेंट करता हूँ तो उसके मैं 1 लाख से भी ज्यादा चार्ज करता हूँ. 1 लाख से भी ज्यादा चार्ज करता. देखो हमारे साथ बैठा हुआ यार. लेकिन एक मैं चाहता हूँ, जिस तरह की तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारा एक लेवल आना चाहिए वो जैसे बड़े सिंगर्स का है. और मुझे यूँ लगता है, जैसे जब भी मैं कभी सुनता हूँ ना, मुझे यूँ लगता है कि वाकई वो वक्त आने वाला है. तो अच्छा, मुझे आगे भी चलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे एक और गाना आप सुनाए. कहानी सुना तो आपने सुना है. हाँ, बहुत सुपर हिट. और उनकी सुना होगा. और कैफी खलील का भी कुछ ऐसा ही हाल था. हाँ, वो भी कहते हैं कि मैं लियारी से डिफेंस तक या फिर किसी और जगह तक पैदल चल के. बिल्कुल, तो ये बिल्कुल होता है. और आज आप देख लें, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उनके साथ सेल्फीज बनाते हैं. ऐसे ही है. जो कहानी सुनो कि मैंने कुछ अपने लिरिक्स लिखे हैं वो सुनाता हूँ आप सबको. अपने लिखे हैं? बिल्कुल अपने लिखे हैं. चलिए सुनते हैं. बहुत मजा आने वाला है. कभी आ तो सही मेरे पास, कहीं दिल दुखता है, रोती है आंखें मेरी. तुझे दिल में बसाया, तुझे अपना बनाया, तुझे रब से दुआओं में मांग लिया. जाना कभी मुझसे दूर, कभी मैंने प्यार किया था, इकरार किया था. हाँ, कभी सुन तो सही
एक अर्जी मेरी, कभी दिल की तू सुन ले मर्जी मेरी। तू क्यों है खफा, तू क्यों यूं जुदा, तू ये तो बता क्यों दिए सजा। क्यों छोड़ा मुझे, क्यों तोड़ा मुझे, तू ये तो बता क्यों दिए सजा। क्यों छोड़ा मुझे, क्यों तोड़ा मुझे, क्यों दी ये सजा। ओए होए होए, मुझे ये तो बता। मैं पहले मैं वैसे ही सुन रहा था जिस तरह से वो गाना था, कहानी सुनो, लेकिन जब ये जुमले बोले ना तुमने, क्यों छोड़ा मुझे, क्यों तोड़ा मुझे, यार ये मुझे यूं लगा कि जैसे कोई तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है। और क्योंकि जाहिर है जब बंदा कुछ लिखता है ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप जब कुछ बोल रहे होते हैं तो क्या आपने स्क्रिप्ट लिखा होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है यार, मेरे अंदर की बातें हैं बिल्कुल, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। टॉपिक तो बस यही होता है ना कि इस ड्रामे पे बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ अंदर से है, क्या है? दिल से गाया देखें। अच्छा, नहीं दिल जो तोड़ा छोड़ा, ये क्या सीन है, इसके बारे में पहले बताओ। देखिए, लाइफ है इंसान की, और मुझे लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, इस तरह के प्यार मोहब्बत वाले। पहले इस टाइम पे इस पे बिलीव नहीं था, लेकिन अब है, अब है, वाकई होता है। अच्छा, नहीं वैसे वाकई कहते हैं ना, जितने भी सुरीले सिंगर्स हैं वो कामयाब ही तब होते हैं जब उनका दिल टूटता है। बचपन में वैसे उनको गुनगुनाने का, गाने का शौक बिल्कुल है, लेकिन फिर जब उनका दिल टूटता है तब जाकर पता चलता है कि यार हमें सिंगर बनना चाहिए। कुछ साल पहले तो मैं बड़े चिल वाले गाने गाता था, जैसे हनी सिंह के रैप शैप, मुझे बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, लगता नहीं है। हाँ, तो मैं कहता था यार सैड सॉन्ग खुदा का, मैं लोगों को कहता था ये पागल नहीं सुनते रहते हैं सैड सॉन्ग 24 घंटे रोते रहते हैं। लेकिन अब यकीन करें, मुझे सैड सॉन्ग के अलावा मजा ही नहीं आता कुछ सुनने को। दिल टूटा तो पता चला हाँ कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है ना, बिल्कुल। अच्छा वो नहीं, ये बात सच है कि जब दिल का दर्द जो है ना, वो इंसान को बिल्कुल या तो कुछ बना देता है। बिल्कुल। अब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जब किसी का दिल टूटता है तो उसको अल्लाह से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। ऐसे ही कोई सिंगर बन जाता है, कोई शायर बन जाता है, बिल्कुल कोई अल्लाह वाला बन जाता है। तो बहरहाल आपकी ये कहानी भी हम बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये ऑनियर होगी है? ऑनियर होगी, बिल्कुल ऑनियर होगी। अच्छा हमजा, एक और गाना हमें सुनाएं जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो। मुझे भी बहुत पसंद है, अक्सर मैं आपको कहता होता हूँ ओएसटी, वो जो भी मैंने आपको अखियानो तेरी, हाय 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 अखियानो तेरी। देखिए, जिस इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, और फिर मेरे ख्याल से ये गानों से बड़े करीब हो जाता है, अखियानो तेरी दीद दी पना चाहिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिल के कितना करीब है। क्या बात है, भाभी भी देखेंगी ये? वो भाभी जानती हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। जरूर अभी आपको सुनाते हैं, अखियानो तेरी दीद दी पना चाहिए, हमजा की सुरीली आवाज में। अखियानो तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियानो तेरी दीद दी पनाह चाहिए। मैं इश्क ते कर लाए मैनू वफा चाहिए, तेरे लिए मैं पावा किंज समझावा, पीड़ दी मैं हम लब ना पावा, मैं भोला किताब केड़ी, मैं इश्क ते कर लाए मैनू वफा चाहिए, अखियानो तेरी जे मिल जावे चैन चैन आवे, अखियानो दीद तेरी जे मिल जावे चैन चैन आवे,
आँखें ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा कर्म है। समझे ना कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के, कने फड़वा के दस ना चावा, जो दे अजी मैं ना जावा, कोई भी सुने ना मेरी असर, दवावां छड़ गया दुआ जाहिए, अखियां तेरी दीद दे पनाह चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमजा का दिल जो है वो सामने निकल कर आ गया, और उस दिल में जिसका चेहरा बसा हुआ है वो बिल्कुल हमें सामने दिखाई दे रहा हो। मतलब तुम्हारी आंखों से मुझे लग रहा था कि जैसे तुम ना उससे बेपनाह मोहब्बत करते हो, और तुम उसकी याद में जब गाते हो ना तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा दर्द तुम्हारे गले में, तुम्हारी आवाज में मैं फील कर सकता हूँ। क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं है अब। नहीं, क्या क्या वजह है, क्यों छोड़ गई या नहीं? छोड़ नहीं गई, हाँ। लेकिन हर किसी की कुछ मजबूरियाँ होती हैं लाइफ में, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बस कोई वो ना, मैं ऐसे ही बेवफा नहीं है। नहीं, बेवफा नहीं है बिल्कुल भी, बेवफा भी नहीं है फिर। अच्छा, वो अधूरी अधूरी मोहब्बत, फैमिली इश्यूज, ये वो सब चीजें कहते हैं कुछ चीजें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, एक चीज बताता हूँ, जो उन्होंने ये रखा होता है कि भाई बच्चे जब पैदा होते हैं साथ ही उनकी ना मंगनी शादी। ओह अच्छा अच्छा, ये वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात है, वैसे अधूरी मोहब्बत की तकलीफ तो होती है ना, वो सारी जिंदगी रहती है। सही बात है, है ना। अच्छा ये बताओ कि ये जो सिंगर बनने का ख्वाब तुम्हारे अंदर मतलब जन्म लिया जिस दिन, तो क्या था बेसिकली कि तुमने क्या सोच के सोचा कि यार मुझे सिंगर क्यों बनना चाहिए? मतलब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सिंगर बनने के बाद बहुत सारा पैसा आ जाएगा, या तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियां होंगी, या तुम्हें शोहरत बहुत ज़्यादा जो है वो लगता है, बस तुम्हें तुम्हारे पास शोहरत होनी चाहिए, जहाँ भी कहीं जाओ लोग तुम्हारे इर्द गिर्द यार एक सेल्फी एक सेल्फी। देखें, पैसा तो इंसान की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, ठीक है, चाहे वो ये म्यूज़िक फील्ड हो या चाहे कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है कि पैसा तो इंसान की ज़रूरत है, तो वो पैसे के लिए ही सब करता है। ये जो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पैसे के लिए करना है, पैसा होगा तो आप करेंगे ना, ठीक है। और दूसरा सवाल था कि शोहरत का, ठीक है। नहीं, दूसरा मेरा ये सवाल था कि मतलब बेसिकली लोग इस फील्ड में आते हैं ना, यूट्यूबर बनते हैं, टिकटॉकर बनते हैं, एक्टर, सिंगर, मॉडल, तो उनके जहन में ये होता है कि यार इस फील्ड में जाऊंगा तो लड़कियां बहुत इर्द गिर्द आएंगी, जहां जाऊंगा लड़कियां मिलने आएंगी, तो ये आपको किसी और फील्ड में नहीं मिल सकता ये सब कुछ, तो ये मैं पूछ रहा। देखें, जैसे मेरी फील्ड है, मुझे पता है इसमें फैन फॉलोइंग तो लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़कियां भी तो लड़की का मसला नहीं है। अच्छा, और तीसरा सवाल, अच्छा लड़कियों का मसला नहीं है, और तीसरा सवाल था शोहरत, ठीक है। तो हर, मैं तो भाई कहता हूँ कि मेरे पास फेम हो, शोहरत हो, हर किसी का ख्वाब होता है, ठीक है, मेहनत कर रहा है तो उसको, मैं चाहता हूँ मेरी फैन फॉलोइंग हो, लोग मुझसे मिलें, तो ये ख्वाब है मेरा। अच्छा, वैसे जिस तरह से डकी ने ना, मतलब डकी भाई ने कहा कि मेरे 6 मिलियन, ऐसा फेम नहीं चाहिए मुझे। अरे सुनो तो, डकी भाई ने कहा था कि अगर मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना तो मैंने ट्रेंड करवा देनी, अगर ये पॉडकास्ट हिट हो गया तो क्या आप ट्रेंड करवा दोगे? मैं कहता हूँ पॉडकास्ट हिट ना हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूँगा। फिर आप देखें जी, आप डकी भाई को माने यार, उस बंदे ने इतना ज्यादा हेट भी उसको मिला सब कुछ, लेकिन उसने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को खुश किया है। अगर ये पॉडकास्ट आपका हिट हो जाता है, भी अब ये भी तो देखें, उसके अगले दिन एक मैं वीडियो देख रहा था कि लड़की ने भी अपना वही कर लिया सारा, हाँ। कुछ तो ये तो फिर गलत है ना। नहीं, आप ये अगर मानते हो कि यार अगर आपका ये पॉडकास्ट हिट हो जाता है तो आप ट्रेंड करवाओगे, लेकिन उनको ये भी सोचना। नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो मैं सवाल करूं उसका जवाब दे दो। देख लो, यहाँ पर ये जो मेरे देखने वाले हैं ना, ये बड़े जिद्दी हैं।
हाँ, ये जब आते हैं ना, जब मैं लेकर आता हूँ गाना ऐसा कि जो पाकिस्तान का इंडिया ने चोरी किया था, ये फिर ये ऐसी जिद में आ जाते हैं ना कि उस वीडियो को वायरल करके छोड़ते हैं। अच्छा हाँ, ये देख लो, अगर इन्होंने ये पॉडकास्ट तुम्हारा हिट कर दिया तो फिर तुम्हें ट्रेंड करवानी पड़ेगी यार, ये फसा दिया आपने मुझे। अब देखो फेम, अब एक तरफ तुम्हारे जो है ना, या तो ये नॉर्मल सा पॉडकास्ट हो जाएगा या फिर तुम्हें ट्रेंड करवानी पड़ेगी। अब फैसला तुमने करना है, अभी बताना है। अच्छा आप बताएं क्या करूं। कह दो यार, हिट हो गया तो बोल आ जाएंगे यार। जी जी, कुछ और कहां के बाल काटने हैं। आई मीन ये मूंछें वगैरह भी थोड़ी कम करनी है। मेरी बात सुनो, देखो इनको कहो यार, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने इस बंदे को हिट करवा दिया, इसका पॉडकास्ट आपने हिट करवा दिया, तो भाई ये बंदा ट्रेंड करवा देगा। हिट कर दो यार, नया गाना भी आपको सुनाएगा, आप मजा आएगा आपको। तो चलो वो यार, वो जो आप मुझे मिक्स, ये हमने पहले डिसाइड नहीं किया था, तो एंकर का काम है वहीं पे लाके फंसाना। मुझे क्या कहना है, अब आप कह दें कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट हिट होता है तो फिर मैं ट्रेंड करवाऊंगा। देखें जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट में अगर 1 बिलियन व्यूज आते हैं, बिलियन जी, तो मैं जो कहेंगे मैं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इस पॉडकास्ट पे 2 लाख व्यूज आ जाते हैं तो आपको ट्रेंड करवाना यार। लगा वास्ता मतलब 2 लाख मेरे चैनल में भी आ जाते यार। नहीं नहीं, देखो यार, ये मेन चैनल पर अगर 2 लाख की आ गए तो इसका मतलब है इंडिया भी आपको सुनेगा। 2 लाख, फिर उस पर बहुत सारी जगहों पर 5 लाख कर ले। चले अगर 5 लाख व्यूज आ जाते हैं तो हमजा ट्रेंड करवाएगा, हमजा हमें वो सुनाए। और अगर 10 लाख आ जाते हैं तो फिर तो क्लीन शेयर के साथ। नहीं नहीं, तो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, मेरी बाहों में आ अभी जा, baby I love you, baby I love you so much, baby I love you, thank you Hamza। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें ना अब मेरी ना मेरा सवेरा, जान लेगा मेरी ये इश्क तेरा, इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। बहुत खूब, मजा आ गया यार हमजा, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और हमजा मुझे ये बताओ कि गाने का शौक पड़ा कैसे था। वैसे मैंने एक जगह पर आपसे पूछा था तो आपने मुझे कहा था कि वो गली में आते थे ना कभी वो टीन डब्बे वाले, तो मुझे आपको शौक था कोई, आप कुछ ऐसा कह रहे थे। हाँ मैं देखिए सच्ची बताना है, बिल्कुल सच मैं पता क्या सीन है। हाँ। मुझे शौक हुआ था स्कूल टाइम, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में नाते वगैरह पढ़ता था, मेरे टीचर्स बड़े फैन थे, ठीक है, तो हर जगह हमजा, एक टीचर तो ऐसी थी मेरी टेस्ट भी मतलब पास कर देती थी फ्री में। अगर वो सुन रही होंगी तो क्या कहेगी यार। ओ मैम, क्या नाम था, मैम सायरा, थैंक यू सो मच मैम सायरा, आपके टेस्ट की वजह से मैं उस दिन पास हुआ था। वो मेरी फैन थी ना। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं एक और भी आपने मुझे बताया था ना कि वो गली में जब कोई आता था तो हाँ, वो ऐसा होता था कि कोई पतीसे वाला आ जाता था। हाँ? मैं बच्चा होता था ना उस टाइम, तो कोई पतीसे वाला आ गया, कोई हाँ? मतलब कबाड़ बेचने वाला आ गया, कोई सब्जी वाला आ गया, फ्रूट वाला आ गया, तो कैसे आवाज, तो वो जैसे आवाजें निकालते थे ना, तो मैं उनको तंग करने के लिए वैसी ऊंची ऊंची सुरों पे आवाजें लगाता था। अच्छा पता लगा वो मेरे सुर ठीक हो रहे थे। अच्छा कोई एक आवाज लगा के बताओ। वैसे खैर है, कुछ नहीं होता, ये तो यादगार चीजें होती हैं। किसकी, टीन डब्बा की? हाँ टीन डब्बे वाले की। टीन डब्बा वेच, रद्दी अखबार वेच, लोहा पुराना वेच, ऐसे ही हो गया।
अच्छा उसके बाद वो आता था सब्जी वाला, हाँ आलू ले प्याज ले फूल गोभी ले बंद गोभी ले, हाँ बाजी कितना चाहिए बाजी तुम्हारा परसों वाला उधार है आपने वापस नहीं किया, पहले वो उधार दे दो फिर आके देगा, नहीं तो नहीं देता, जाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त यार। वैसे मुझे, मैंने एक ड्रामे में काम किया था जिसमें मैं खुद सब्जी वाला बना था, तो उसमें मैं ना ऐसी बेच रहा था, तो मुझे वो कराची में था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पंजाब वाला हमें सब्जी वाला नहीं चाहिए, हमें कराची वाला चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि फिर जरा कुछ करके दिखाएं ना। हाँ, वो मुझे आवाज याद आती है, ऐसे मैंने बोला था, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, पालक ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, पालक ले लो, सब्जी वाले, आलू ले लो, पालक ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो, पालक ले लो, साग ले लो, सब्जी वाले। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू। तो कोई और आवाज है जो आप चाहें तो निकलवा लें आज, आज आप इतनी निकलवा ली है। ये देखे बहरहाल, आप लोगों को हमजा की आवाज कैसी लगी आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है, और साथ में हमजा एक्सपेक्ट करता है कि आप इसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक्सपेक्ट करता है कि इसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो मकाम मिलना चाहिए। अब इसे माशाल्लाह से पीटीवी पर एक प्रोग्राम मिला है, पीटीवी ग्लोबल पर, जो हर हफ्ते आप मॉर्निंग में देख सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे यूँ लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए हमजा को, हमजा का इस पॉडकास्ट में। आप लोगों को क्या लगता है इसकी आवाज़ को सुनकर, क्या वाकई इसके गले में वो दर्द, वो सुर है जिसे सुनने के बाद आप फील कर सकेंगे यार एक बड़ा सिंगर बन सकता है। हमजा के लास्ट सॉन्ग के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप इसे सुने, इंजॉय करें और इसको फुल सपोर्ट करें। मैं आप लोगों से खुद रिक्वेस्ट करता हूँ, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सो जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का है रुआ तेरे हवाले कर दिया, देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ है, मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे ने मद है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है, कभी मेरी नजर से खुद को देख भी है, चांद में भी दाग पर ना तुझ में कभी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया।